मानव सेवा समिति अध्यक्ष शैलेंद्र यादव उर्फ कल्लू भैया ने जनसंपर्क अभियान के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख झालावाड़ में है। बीजेपी ने विकास कार्य नहीं करवाए बल्कि जातिगत राजनीति कर जिले में वैनमेस पैदा किया। उन्होंने बताया कि लगभग 60 गज में जनसंपर्क अभियान के दौरान हमें लोगों ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि हम मानव सेवा समिति की ओर से कई वर्षों से गरीब दीन दुखियों की सेवा करते आ रहे हैं और 1947 के बाद वार्ड नंबर 8 से कभी कांग्रेस नहीं जीती। उन्होंने दावा किया कि इस बार जिला परिषद के वार्ड नंबर 8 से अन्नू यादव कांग्रेस पार्टी से जीत दर्ज कर इतिहास लिखेंगी और करेंगी। साथ ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में पंचायत चुनाव में लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर और जिले में पहली बार कांग्रेस पार्टी का जिला प्रमुख बनेगा। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 8 जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी अन्नू यादव ने बताया कि चुनाव अभियान के दौरान क्षेत्र में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। मेरे पति के सामाजिक कार्यों के लोगों ने जमकर सराहना की। कांग्रेस पार्टी में मेरे पति के सामाजिक कार्यों के चलते हुए हमारी जीत निश्चित है। हम आपको बता देते हैं कि जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 8 पर पीसीसी सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र यादव उर्फ कालू भैया झालावाड़ निवासी की धर्मपत्नी अन्नू यादव कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं। गुरुवार को जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी अन्नू यादव रुंडलाव कनवाड़ा समेत दर्जन गांव में घर घर जाकर बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों से आशीर्वाद एवं युवकों से युवतियों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान कई जनप्रतिनिधि एवं महिलाएं साथ दिखी। से भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख है झालावाड़ में और कम से कम 60 गांव में हम होकर है। उन गांवों की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया कि ये समझ में नहीं आ रहा आज तक कि जाति की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और हम तो वैसे सेवा करते हैं। और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ 1947 के बाद वार्ड नंबर 8 से आज तक कांग्रेस नहीं जीती और पहली बार कांग्रेस जीती और पहली बार झालावाड़ के अंदर 30 साल बाद कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा। एक मिनट। कांग्रेस पार्टी ने आपका विश्वास व्यक्त करते हुए वार्ड नंबर 8 में जिला परिषद से टिकट दिया गया, तो आप इसको कैसे देखते हो, इस चुनाव को कैसे देखते हो? इस चुनाव को हम इस दृष्टि से देखते हैं कि गांव में जो समस्याएं होंगी उसका हम समाधान करने का अगर हम कोई पत्ते बैठते हैं तो बेहतर तरीके से उसको सुधारेंगे। पूर्व में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, आप इसको कांग्रेस की झोली में डालने के लिए क्या प्रयास कर रहे हो? हम प्रयास कर रहे हैं कि मेरे पति जो हैं समाज सेवी हैं, जब हम बिना किसी पद पे हर व्यक्ति की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, तो अगर हम किसी पद पे बैठते हैं तो हम उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे, यही हमारा प्रयास है। चला।